मैंने बहुत सारे ऐसे टब खाली कर दिया है। दिस इज ऑल्सो एम्प्टी। स्किन को भी बहुत ज्यादा अच्छे से नरिश कर देता है ये प्रोडक्ट। स्किन केयर में इतनी बिजी हो गई थी कि मेरा स्किन सिर्फ ग्लो कर रहा था, बॉडी नहीं कर रहा था। एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर गाइस, दिस इज माय सेकंड टाइम और थर्ड फोर्थ टाइम मैंने ये खरीदा हुआ। हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज एना, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज है मेरे पास 10 टॉप प्रोडक्ट दैट आई हैव रीपर्चेज दिस मंथ एंड कांट लिव विदाउट। मैंने ये प्रोडक्ट्स इस मंथ ही खरीदे हैं एंड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने आज तक मेरे चैनल में आपको दिखाया नहीं है, कोई भी वीडियो बनाया नहीं है। दिस इज फर्स्ट टाइम मैं अपने बॉडी केयर के कुछ भी प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ एंड इस वीडियो में मैं सारे प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट काफ़ी दिनों से यूज़ कर चुकी हूँ एंड दिस इज माई सेकेंड टाइम और थर्ड फोर्थ टाइम मैंने ये खरीदा हुआ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास डव एक्सफोलिएटिंग बॉडी पॉलिश स्क्रब इन द वेरिएंट पोमोग्रेनेट सीड एंड शिया बटर। आई लव दिस प्रोडक्ट, आई हैव बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट सिंस 4-5 मंथ्स एंड मैंने बहुत सारे ऐसे टब खाली कर दिया है। दिस इज ऑल्सो एम्प्टी क्योंकि ये खत्म हो गया था एंड ये ऐसा हुआ इस वेरिएंट का मुझे उस टाइम में नहीं मिला जब मैं इस मंथ में खरीद रही थी, मेरा रिस्टॉक कर रही थी तो मुझे इस वेरिएंट पे नहीं मिला। आपको डव का जितने भी वेरिएंट मिलेगा उसमें से सबसे बेस्ट ये है एंड मुझे इस मंथ में ये नहीं मिला। देन मैंने ये परचेस किया है डव का ही दूसरा वेरिएंट में प्रोडक्ट एंड इट लिटरली स्मेल लाइक मैंगो। ये है वेरिएंट क्रस्ट आलमंड एंड मैंगो बटर। मुझे कुछ और वेरिएंट भी ट्राई करना था बिकॉज आई लव दिस प्रोडक्ट, सो इजिली मैंने ये ऑर्डर किया है एंड दिस इज ऑल्सो नाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे से स्किन में मेल्ट भी हो जाता है, हार्श भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इट्स लाइक मिल्क जैसा सॉफ्ट बोल सकते हैं हम लोग, इतना अच्छा है ये एंड हाईली 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 रिकमेंड। एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर गाइस, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल सकती हूँ दिस इज नॉट स्पॉन्सर, यू हैव टू बाय क्योंकि मैं बोल रही हूँ। अगर आपके पास है ये प्रोडक्ट तो यू नो गाइस ये बहुत अच्छा है एंड अगर आपके पास नहीं है तो दिस इज हाई टाइम यू हैव टू बाय दिस वन। सो ये प्रोडक्ट मुझे पड़ा था अराउंड 500 का, अगर सेल होगा तो उससे भी कम में मिल जाएगा एंड ये मैं यूज़ करती हूँ वीक में 2 या फिर 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ मैं। सो या हाईली रिकमेंड गाइज, अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट स्पॉन्सर, अगर आपको खरीदना है तो यू कैन बाय। तो सेकेंड प्रोडक्ट है हमारे पास बी बॉडी वॉश का 1% सैलिसिलिक एसिड बॉडी वॉश, सावर जेल भी बोल सकते हैं। सो ये मैंने पहले जब लिया था वो छोटा वाला में लिया था, छोटा प्रोडक्ट लिया था एंड वो खत्म हो गया। देन मैंने ये बड़ा वाला परचेज किया हुआ है, ये 700 ml का है जो कि मुझे बहुत अच्छा रेट में मिला था, 400 समथिंग में मिला था, सेल में खरीदा था इसलिए मुझे ये कम में पड़ा है। एंड स्मेल्स सो गुड, स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डेड स्केल्स को रिमूव करता है, टैनिंग को फेज करता है, आई लव दिस प्रोडक्ट, सब काम करता है एंड मैंने थोड़ा थोड़ा रिजल्ट देखा है। जब आप फर्स्ट में यूज़ करोगे ना तब आपको दिखाई नहीं देंगे, तो इसलिए मैंने ये फिर से ऑर्डर किया है, मुझे अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट। इफ़ यू वॉन्ट टू बाय एंड ट्राई करना चाहते हो, अगर आपको अच्छा लगे या फिर नहीं लगेगा मुझे नहीं पता है, पर इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई तो आप छोटा वाला लेके एक बार ट्राई कर सकते हो। थर्ड प्रोडक्ट है हमारे पास लव ब्यूटी एंड प्लैनेट मुरमुरू बटर एंड रोज ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश। ये भी बॉडी वॉश है गाइस, आई लव बॉडी वॉश। आजकल मैं बहुत ज्यादा केयर करने लगी हूँ अपना बॉडी का क्योंकि मैं अपना स्किन केयर में इतनी बिजी हो गई थी कि मेरा स्किन सिर्फ ग्लो कर रहा था, बॉडी नहीं कर रहा था, तो वो बहुत बुरा दिखता है। सो इसीलिए मैं आजकल बॉडी केयर बहुत ज्यादा करने लगी हूँ। सो मैंने ये पहले भी ट्राई किया था बहुत पहले, 4-5 मंथ्स पहले, एंड मुझे ये अच्छा लगा था, मैं ये भूल गई थी इसके बारे में, दैट्स व्हाई आई ऑर्डर फिर से, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा था। मुझे अचानक याद आया कि हाँ वो मैं यूज करती थी एंड वो बहुत ज्यादा अच्छा था, ऐसा कभी कभी हो जाता है। सो मैंने ये रिपर्चेस किया है इस मंथ फिर से एंड दिस इज सो नाइस, अच्छा स्मेल करता है, बहुत ही अच्छा एंड ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा बहुत हाइप में भी था ये प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा वायरल था, बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे इसके। सो मैंने मुझे याद आया कि मैं तो ये यूज़ करती थी एंड बहुत अच्छा था, फिर से मैंने ऑर्डर कर लिया इसीलिए। एंड इसका स्मेल एग्जैक्टली परफ्यूम जैसा है जो कि आप अगर एक बार अप्लाई कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा स्मेल करता है, बहुत प्रिटी है ये, स्किन को बहुत ज्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट बना देता है। हाईली रिकमेंड गाइस, अगर आपको लेना है तो यू शुड बाय। सो फोर्थ प्रोडक्ट है मेरे पास ये बायोक्यूल का ऑयल क्लियर प्योरिफाइंग क्लींजर। आई एम लाइकिंग दिस प्रोडक्ट राइट नाउ, लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये प्रोडक्ट दिखाया होगा वीडियो में, मुझे आजकल ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इट हैज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स सोर्सेस फ्रॉम जिंक, तुलसी एंड विलो बार्क। इट जेंटली एक्सफोलिएट माय स्किन एंड रिमूव ऑल द एक्स्ट्रा oil and limit stubborn production. It has a water gel like texture, makes my skin look fresh, hydrate and plump. It is suitable from normal to oily skin. If you have combination skin like mine, this cleanser it's for you, highly recommend. So uske baad hai mere paas ye spotless serum from Bioquil and ye product bhi maine aapko pehle dikhaya tha last video mein and this is my repurchased product. Look at the packaging, so pretty and I am liking this product so much.
So I got this serum because of its unique combination. It has arbutin, phytin and vitamin C, derived from berberry, bedens, pilosa and kakadu plum, which work together and gently exfoliate, reducing dark spots and hyperpigmentation, revealing a radiant and even skin tone. It has non-sticky gel-like texture. I have been using this one for a while now and you can see visible results. So next product है हमारे पास Plump Body Loving Caramello Body Lotion. I love this lotion. I have been using this lotion since 2-3 months and मेरे पास बहुत सारे lotions है but मैं वो छोड़ दिया है, वो सब फ्यूज़ करना ही छोड़ दिया है. ये अभी इतना हो गया है, लाइक इतना है ये, अभी ज़्यादा नहीं है इस पर, क्योंकि ये मैं डेली यूज़ कर रही हूँ, 2-3 मंथ से यूज कर रही हूँ, बट फिर भी ये खत्म नहीं हो रहा है. आई लव दिस प्रोडक्ट. ये 400 ml का है. ये जब मैंने लिया था, ये प्रमोशन के थ्रू लिया था, इसका मैंने कोलैब किया था प्लम के साथ, तब मुझे ये मिला था, बट उसके बाद मैंने ये स्टॉप नहीं किया यूज करना. आई लव दिस प्रोडक्ट. मैं फिर से ये रिपर्चेस करने वाली हूँ. स्किन को भी बहुत ज्यादा अच्छे से नरिश कर देता है ये प्रोडक्ट. तो उसके बाद है हमारे पास वैसलिन का हेल्दी ब्राइट ग्लूटाहाया ड्यू रेडियंट लोशन एंड सीरम, 10x मोर पावरफुल देन विटामिन सी प्लस, ये क्लेम करता है ऐसा. एंड मैंने इसलिए ये ट्राई किया था, इट्स बिन 1 month. दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट होगा मैंने यूज किया है. दिस इज नॉट रिपर्चेस प्रोडक्ट, बट आई विल रिपर्चेस दिस अगेन, क्योंकि मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट एंड नॉन स्टिकी है. मैं बेसिकली यूज़ कर रही हूँ अपने पैर में एंड हाथों में एंड डेली यूज़ कर रही हूँ नहाने के बाद. अच्छा लगता है मुझे. एंड मैं अभी क्लियर कर देती हूँ, इसका स्मेल उतना अच्छा नहीं है, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बट मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा काम करता है, इसलिए आई एम लाइक यूजिंग दिस अभी भी. दिस वन इज बूस्ट विद नायसिनामाइड एंड ग्लूटाग्लो, जो कि आपके स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो लाने में हेल्प करता है. सो आई एम ट्राइंग दिस प्रोडक्ट अभी भी. आई विल रिपर्चेस दिस अगेन. ये हाईली रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा इससे नहीं मिला है मुझे उतना ज़्यादा रिजल्ट. इफ मुझे मिलेगा, क्योंकि एक ही महीने में कभी भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है कभी कभी कोई कोई प्रोडक्ट से, अगर मुझे मिलता है तो डेफिनेटली मैं आगे के वीडियो में और ये इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ. सो उसके बाद ही हमारे पास ये मार्स का मेकअप ब्रश. ये आपको देखने में नॉर्मल ब्रश लग रहा होगा, बट ये नॉर्मल नहीं है. इसमें है 4-in-1 ब्रश, जो कि आपके फाउंडेशन के लिए हो जाएगा, हाइलाइटर के लिए हो जाएगा, आई शेडो के लिए हो जाएगा, कुछ भी बोल सकते हो आप. एंड इसमें ऐसे करके आप खोल सकते हो, इधर से भी खुलता है, उधर से भी खुलता है. बहुत ज़्यादा प्रिटी है गाइस ये, क्योंकि आप अगर ट्रैवल करते हो ना, तो झमेला रहता है कि आप सारे प्रोडक्ट के लाइक ब्रश के कैसे लेके जाओगे. तो दिस वन इज बेस्ट. मैंने ऑर्डर किया, ये आया है, तब से ही मैं ये लेके घूम रही हूँ. दिस इज नॉट रिपर्चेस प्रोडक्ट, क्योंकि एक बार खरीद लोगे तो बहुत लंबा चलता है, बट मैंने ये इंक्लूड कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये साथ में ऑर्डर किया हुआ था. अगर आपको ये लेना है तो यू शुड बाय, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है. ये दोनों तरफ से खुल जाता है, अंदर अंदर आपको आई शेडो वाला मिल जाएगा एंड बाहर हाइलाइटर और फाउंडेशन का आपको अच्छे से अच्छा ब्रश मिल जाएगा. एंड आप ये देख सकते हो, मैं काफ़ी दिनों से ये यूज़ कर रही हूँ एंड आई लव दिस प्रोडक्ट. तो मार्केट में आपको बहुत सारे प्राइमर मिल जाएंगे, बट लाइक बहुत एक्सपेंसिव ही होते हैं प्राइमर, अच्छे प्राइमर्स. एंड मैंने ना लाइक मेरे पास बहुत सारे प्राइमर्स हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारा है जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं एंड वो आप अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते हो, लाइक क्योंकि मुझे रोज सूट करना पड़ता है एंड कभी कभी रोज ही मेकअप करना पड़ता है शूट के लिए, तो लाइक वेस्ट हो जाता है मेरा प्रोडक्ट, क्योंकि घर में ही रहना है. तो इसीलिए मैंने मेरे पास था ये पहले से ही एंड मैंने कभी ट्राई नहीं किया था. जब मैंने ट्राई किया था फर्स्ट टाइम, मुझे अच्छा लगा, लाइक अच्छा वाला ग्लो देता है, इसका टेक्सचर जो है वो पिंकिश वाला ग्लो देता है एंड लाइक अच्छे से आपका मेकअप को भी होल्ड करके रखता है, मुझे अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट. सो इसीलिए मैं आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा. दिस इज माय सेकंड बॉटल, जो कि मैंने रिपर्चेस किया है अगेन. आप ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स रहते हैं साथ में, बट आप उसको अंडर एस्टिमेट करके नहीं लाइक अप्लाई करते हो, नहीं यूज करते हो. जब कुछ खत्म हो जाता है तब आप वो ट्राई करते हो ना, तो आपको उसका वैल्यू तब पता चलता है कि ये तो हाँ सच में अच्छा है. तो मेरे साथ इसका स्टोरी ऐसा ही हुआ. सो इसीलिए आई एम यूजिंग दिस लाइक बहुत सारे दिनों से, बहुत दिनों से, एंड आई एम लाइकिंग दिस वन. अगर आपको थोड़ा सस्ता दाम में ही प्राइमर चाहिए तो गो फॉर दिस वन. एंड ये ना लाइक समथिंग 900 का था, बट मैंने सेल में खरीदा था इसलिए मुझे कम पड़ गया. एंड नायका में कभी कभी अच्छा से अच्छा सेल आ जाता है, 25% 30% ऑफ तक होता है. सो लास्ट प्रोडक्ट है मेरे पास ये रिपर्चेस प्रोडक्ट,
फ्रॉम के ब्यूटी. ऑब्वियसली आपको देख के पता चल गया होगा कि ये के ब्यूटी का फाउंडेशन है. एंड ये मैंने क्यों लिया है, एंड दिस इज रीपर्चेस प्रोडक्ट. ये मैंने पहले भी लिया था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फाउंडेशन है जो कि बहुत हाई कवरेज भी है एंड वो सारे एक्सपेंसिव है, तो वो मैं रोज यूज नहीं कर सकती हूँ. इसीलिए मैंने जब मैं घर पे शूट करती हूँ, जैसे कि मैंने अभी भी मैंने यही लगाया हुआ है, एंड ये बहुत ज्यादा लाइट कवरेज आता है इससे एंड अच्छा लगता है मुझे. उतना ज्यादा हाई कवरेज मुझे नहीं चाहिए एवरी टाइम में, फुल कवरेज वाले. एंड ये बहुत लाइट वेट है इसलिए मैंने ये लिया था. एंड समथिंग 900 प्राइस है इसका, बट मैंने लिया था 8 या फिर 7, मतलब वो सेल में लिया था मैंने, इसलिए मुझे ये कम पड़ गया. इस बार लास्ट टाइम मैंने फुल पेमेंट करके लिया था, पर इस बार मैंने इसमें सेल में लिया था मैंने ये. एंड मेरा शेड है 120 वाई लाइट, जो कि मेरा परफेक्ट स्किन टोन के साथ मिला हुआ है. यू शुड बाय अगर आपको अच्छा लगता है, बहुत हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं चाहिए तो ये भी ऑर्डर कर सकते हो. बट मैं दूसरा भी आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ, जो कि मेरा अभी भी ऑन द वे है, अभी तक आया नहीं है, वो फाउंडेशन खत्म हो गया था. सो वो है फाउंडेशन, मेबेलिन का फाउंडेशन, लूमी फाउंडेशन है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो. सो आज के लिए इतना ही था. सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एंड मेरे चैनल में चल रहा है अगेन गिव अवे का रूल्स आपको मैं यहाँ पे लिख दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा. एंड मैं आपको बता देती हूँ, गिव अवे के नाम में एक स्कैम चल रहा है गाइज. एंड मेरे चैनल में पता नहीं कौन है रोज आके कमेंट करके जाता है कि आपने गिव अवे जीता है, बट दैट वॉज फेक, जो कि टेलीग्राम से आता है, मेरा नहीं है. अगर मेरे को गिव अवे का अनाउंसमेंट करना होगा तो थ्रू माई वीडियो, या फिर मैं अपना स्टोरी में, इंस्टाग्राम स्टोरी, या फिर मेरे इंस्टाग्राम के डेली अपडेट्स में डाल दूंगी. बट कभी भी मैं कमेंट में आपको नहीं बोलूंगी कि आपने गिव अवे जीता है, या आप एकदम नोट करके रखिएगा, क्योंकि वो लोग जब आपने जीता है बोलेंगे ना, वो लोग आप बिलीव कर लोगे, उन लोगों को टेक्स्ट करोगे, देन वो लोग बोलेगा आपने आईफोन जीता है, लैपटॉप जीता है, पर आपको कस्टम चार्जेस देना पड़ेगा. कस्टम चार्जेस बोलेंगे वो लोग 5,000, 10,000, एंड आप खुश होगे मेरे नाम में, आप लोग पे भी कर देते हो. सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, सतर्क रहे, स्कैम से बचे, आप प्लीज कमेंट का रिप्लाई मत करना. सो यह आज के लिए इतना ही था. गिव अवे अभी भी स्टार्ट हो गया है क्योंकि मेरा 50K होने वाला है गाइस. आई एम सो हैप्पी. सो आज के लिए इतना ही था. बाय गाइस.